नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सांसद मेनका गांधी ने एक वीडियो जारी किया है। लंपी वायरस से प्रभावित गाय को लगातार अगर कोई भी ऐसी गाय दिखती है तो आप इसकी सूचना दें, साथ ही साथ उसका दूध ना पिए और ना ही मिठाई खाएं। बड़ी संख्या में कई प्रदेश में दुधारू पशुओं में ये बीमारी फैली हुई है। सांसद का डेयरी संचालकों को हिदायत है कि इस रोग से प्रभावित गाय का दूध बिक्री ना करें। नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा के वजह से सांसद मेनका गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, देखिए। इस वक्त हिंदुस्तान में एक बहुत गंभीर बीमारी फैली है गायों में, भैंसों में, जिसका नाम है लंपी स्किन डिजीज। इसमें हजारों हजारों गाय भैंस मर चुके हैं। ये फोड़े बनते हैं शरीर पर, वो फोड़े फट जाते हैं, उससे खून निकलता है, उससे बुखार हो जाता है, गाय चलते चलते गिर जाती है। बहुत सारे गाय मरे भी हैं, बहुत सारे गाय भैंस को डेयरी वालों ने बाहर निकाल दिया है। लेकिन मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ। इस वक्त हमें पता चला है कि बहुत सारे प्रदेशों में लंपी स्किन डिजीज होने के बावजूद भी ये डेयरी वाले अभी भी उसका दूध निकाल करके बेच रहे हैं। ये मिठाइयों की दुकानों में जा रहा है और अन्य जगह जा रहा है जहां आप दूध पीते हैं या उसकी दही खरीदते हैं। कृपया करके ये समय दूध, दही, मिठाई ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपने वो दूध पिया जो एक लंपी अफेक्टेड गाय का हुआ है तो भगवान जाने आपके शरीर में क्या हो सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी में चल रहे इस्तीफे के दौर पर आम आदमी पार्टी ने भी कटाक्ष किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के लिए अन्य दोनों की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए कांग्रेस के नेता ही काफी हैं। अब जिस प्रकार से कांग्रेस में इन दिनों नेता अपना इस्तीफा दे रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में इस तरह के इस्तीफे और भी देखने को मिलेंगे और फिर कांग्रेस का शायद अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में शहरों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। नगर पालिकाएं भ्रष्टाचार का केंद्र बन गई हैं। सफाई के नाम पे, निर्माण के नाम पे, सफाई कर्मियों की भर्ती के नाम पे हजारों करोड़ का घोटाला नगर विकास विभाग में हुआ है। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को लेके सड़क पर संघर्ष भी करेगी। चमोली के भ्रमण पर आए पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत का देवाल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। कांग्रेसियों का कहना है कि माननीय सांसद द्वारा देवाल की हमेशा उपेक्षा की गई है। उन्होंने थराली देवाल, वाण मोटर मार्ग को हार्टमिक्स, डामरीकरण करने, हॉस्पिटल में टेलीमेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी सहित कई घोषणाएं की थी, लेकिन आज तक सीएम रहते हुए भी क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किए, ना ही सांसद विकास निधि से कोई कार्य हुआ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही फिर जनता को गुमराह करने के लिए क्षेत्र में आए हैं। ऋषिकेश में जीएसटी के रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइल को लेकर आ रही दिक्कतों के संबंध में अधिकारियों ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसमें जीएसटी के अधिकारियों ने व्यापारियों से उनकी समस्याओं को सुना। ज्यादातर समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया। जो समस्याएं उच्च स्तर की थी उन्हें आला अधिकारियों को फॉरवर्ड कर समस्या का समाधान कराने का भरोसा अधिकारियों ने दिया है। जीएसटी के असिस्टेंट डायरेक्टर अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि लिखित और मौखिक रूप से व्यापारियों ने समस्याएं बताई हैं, जिन्हें अधिकारियों ने
अपने पास नोट कर लिया, जिससे कि भविष्य में इन समस्याओं से व्यापारियों को परेशान ना होना पड़े। अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि यदि किसी भी व्यापारियों को जीएसटी से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो वो कार्यालय में आकर समस्या का समाधान करवा सकते हैं। साथ ही बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जागरूकता शिविर भविष्य में भी लगाए जाते रहेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में ही नहीं बल्कि पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में रामलीला मंचन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, जिसके लिए देर रात तक पात्रों के रिहर्सल की जगह जगह तैयारियां हो रही हैं। यहां नव सांस्कृतिक सत्संग समिति शेर का डांडा रामलीला कमेटी के तत्वाधान में देर रात तक निदेशक मंडल द्वारा रामलीला के पात्रों को रिहर्सल के माध्यम से परीक्षण दिया गया, जिससे वो जनता के सामने अपना अच्छा अभिनय कर जनता की वाहवाही लूटने में कामयाब हो सके। सरोवर नगरी नैनीताल के नव सांस्कृतिक रामलीला कमेटी पिछले 50 सालों से निरंतर रामलीला मंचन के साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम करती आई है। इधर समिति के निदेशक हिम्मत सिंह, कैलाश जोशी और तमाम लोग मौजूद रहे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।